big immigration in Europe. Hi guys, this video is all about USA study visa. So lately USA government ने एक बड़ा अपडेट दिया है जो कि ये है कि अब से बेसिकली 27 नवंबर के बाद से जो भी स्टूडेंट्स अपनी फाइलिंग कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स अपना DSE 160 फाइनल कर रहे हैं, अगर उनके DS 160 में या फिर उनकी जो फाइल लगी है वीजा फाइल में कोई भी मिस्टेक हुई है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, उनका अगर पासपोर्ट नंबर इनकरेक्ट डाला है या फिर उनका जो वीजा फाइलिंग डॉक्यूमेंट है या DS 160 है अगर वो इनकम्प्लीट फाइल हुआ है, तो इन स्टूडेंट्स को अपना वीजा तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए। बल्कि अगर इनको अपना बायोमेट्रिक्स करवाने हैं या आगे फर्दर प्रोसीड करना है तो इनको अपनी फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, अपना जो अकाउंट है यूएस की वेबसाइट पे दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा इनकी सारी फाइलिंग सारा प्रोसीजर दोबारा होगा। सो जो FMJ जो ये तीनों टाइप के स्टडी वीजा की कैटेगरी है, ये अपडेट उनके रिगार्डिंग है। सो ये अपडेट क्यों लेके आई है यूएस गवर्नमेंट? सो बेसिकली इसका पीछे का रीजन ये है कि पहले क्या हुआ करता था, जो एजेंट्स होते थे वो इनकम्प्लीट वीजा फाइल कर देते थे, जैसे DS 160 का फर्स्ट पेज फिल कर देते थे, उसके बेसिस पे वो इंटरव्यू का स्लॉट बुक कर लेते थे। एंड जब स्टूडेंट अपने वैक सेंटर जाता था, वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाता था, तो जब वहां पे ऑफिसर उनका इनकम्प्लीट फॉर्म देखता था तो वो ऑन द स्पॉट उनको अपना उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके देते थे। इस वजह से वैक सेंटर पे काफी ज्यादा बर्डन आ रहा था, तो यूएस एम्बेसी उनके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ये हार्श प्रोविजन लेके आए हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी प्रोविजन है, इससे स्टूडेंट्स काफी अवेयर होंगे। अब से स्टूडेंट्स को अपना जो भी उनका एजेंट DS 160 बना रहा है, फाइल कर रहा है, स्टूडेंट्स को प्रॉपरली रिव्यू करना चाहिए कि उनके DS 160 में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या कुछ एजेंट ने डाला है। कई बार एजेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे कंसील कर लेते थे, जैसे जनरली बताया जाए तो वहां पे क्वेश्चन होता है डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएस, एंड 90% एजेंट्स आपको बोलेंगे कि आप वहां पे नो कर दो, क्योंकि इससे आपकी फाइल में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग, हम भी यहाँ पे जो भी फाइल कर रहे हैं हम सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दे रहे हैं। अगर आपका वहां पे कोई ब्लड रिलेशन का रह रहा है तो आपको यहाँ वहां पे यस करना चाहिए, अगर आपका वहां पे कोई दूर का बंदा रह रहा है तो आप वहां पे नो भी कर सकते हो। पर DS 160 में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अपनी DS 160 फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपनी SOP के रिगार्डिंग असिस्टेंस चाहिए, आपका I-20 नहीं आ रहा, आपने अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना है, या फिर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आपके ओवरऑल 5.5 बैंड है, या फिर आपने IELTS नहीं किया, आपने Duolingo किया है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, देन आप हमें कॉल कर सकते हो। आर नंबर इज बिलो मेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।